तो सैमसंग कंपनी ने बहुत सारे स्मार्ट गैजेट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो उसमें से एक है सैमसंग का गैलेक्सी जेड फोल्ड 5। तो आज हम इसी प्रोडक्ट की फुल स्पेसिफिकेशंस आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्द ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग दिखा सके। तो इस स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जी हाँ, आपको इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा, और कस्टम यूआई की बात करें तो आपको सैमसंग वन यूआई देखने को मिल जाएगा। चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। रैम की बात करें तो आपको 12GB रैम इसमें देखने को मिल जाएगी, वो भी LPDDR5X टाइप की रैम आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले की बात करें तो आपको डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। वहीं स्क्रीन साइज की बात करें तो आपको 7.6 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, और सेकंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी 6.2 इंच की, और आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वो भी पंच होल डिजाइन के साथ। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। वहीं डिजाइन की बात करें तो आप इधर इसकी हाइट, विथ और थिकनेस चेक कर सकते हो। आपको इसका वेट देखने को मिल जाएगा 253 ग्राम। वहीं कलर की बात करें तो आपको इसमें आइस ब्लू, फैंटम ब्लैक और क्रीम, तीन टाइप के वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है और इसमें आपको IPX8 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। आपको ऑटो फोकस और फ्लैशलाइट भी देखने को मिल जाएगी। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको 8K 24fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। वहीं फ्रंट कैमरे में आपको 10 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको 4K 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। आपको 4400mAh की लिथियम आयन बैटरी इसमें देखने को मिल जाएगी, और आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें 25 वोट का क्विक चार्ज भी देखने को मिल जाएगा, और सिर्फ 30 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाएगा। तो स्टोरेज की बात करें तो 256GB, 512GB और 1TB तक का इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ड्यूल सिम देखने को मिल जाएगा, पहला होगा नैनो सिम और दूसरा होगा ई सिम। को VoLTE का भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा, और दोनों सिम 5G को सपोर्ट करेंगे। आपको 5.3 ब्लूटूथ का वर्जन देखने को मिल जाएगा, GPS, Wi-Fi और NFC भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, लाउड स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, टाइप सी वाला ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, और डॉल्बी एटमोस का ऑडियो फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इस डिवाइस के प्राइस की बात करें तो 12GB रैम, 256GB स्टोरेज की प्राइस होगी 1,54,999 रुपीज। वहीं 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की प्राइस होगी 1,64,999, और 12GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की प्राइस होगी 1,84,999। तो अब बारी है आप सभी की, क्या आपको ये डिवाइस अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर ही बताएगा। आपको इसमें कौन सा कलर अच्छा लगा है और आपको कितनी स्टोरेज चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर ही बताएगा।